रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल रेनबो सेवन। इस वीडियो के माध्यम से मनाली बाइक एसोसिएशन और ले बाइक एसोसिएशन उनके विवाद को मैं आपको बताऊंगा। और मनाली बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है केशवराम ठाकुर, उनसे हुई बातचीत के अंश भी मैं इस वीडियो में सुनाऊँगा। तो विवाद यह है कि जो मनाली बाइक एसोसिएशन, जिसको संक्षेप में MBA बोला जाता है, और ले बाइक एसोसिएशन LBA का विवाद बढ़ गया है, जिससे दोनों के बाइकर हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। यानी मनाली से आप लेह लद्दाख के लिए बाइक लेकर जा रहे हो तो वहाँ रोक लिया जाएगा, और लेह लद्दाख वह आने वाली बाइक है उसको मनाली की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ भी रोक लिया जाएगा, ऐसा अभी चल रहा है। और उसका जो सर्कुलर है, उसका जो ये मैं आपको स्लोली स्लोली दिखा रहा हूँ, उसको आप इंग्लिश में दिया है, इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो ये विवाद काफ़ी गहरा गया है। अभी रोहतांग पास खुला नहीं है, खुलने की प्रयास जारी है, हो सकता है कि जल्दी ही यह समझौता हो जाए। इस परपत्र जो सर्कुलर है, इसके अनुसार 5 मई को समझौता वार्ता रखी गई है, और दोनों के जो मन मुटाव है, जो समस्या है, उनको लेकर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। यदि समस्या का समाधान हो जाता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा, यानी कि रिपोर्ट कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया पूरी ये लेटर है, उनके द्वारा जारी किया गया है, जो प्रेसिडेंट है केशवराम ठाकुर, मनाली बाइक एसोसिएशन है उनकी ओर से, और इनकी प्रति है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश को दी गई है, कुल्लू DC को दी गई है, कुल्लू SP को दी गई है, और लेह लद्दाख में जितने भी SP DSP है उनको भी प्रोवाइड की गई है। इस विवाद से दोनों बाइकर्स या बाइक को रेंट पर देने वाले उनके बहुत ही नुकसान होने की बात सामने आई है, इसलिए समझौता जल्दी होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है। तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। अब आपको सुनाते हैं मनाली के बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केशवराम ठाकुर है, उनकी मेरे से बातचीत हुई, उनके अंश आपको सुनाते हैं। लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, और हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अभी। तो ये लेटर आपको मैंने पढ़ा दिया है। एक में ये पढ़ा कि मनाली बाइकर एसोसिएशन है, उसके साथ जो लेह लद्दाख एसोसिएशन है उनके साथ अनबन हो गई है। मान जी, तो इसमें क्या रेजोल्यूशन होगा, कब तक सॉल्यूशन होगा सर? हाँ जी हाँ जी, जैसे उनका ना इस साल हमारा रेजोल्यूशन उनके साथ हो गया था, सिर्फ पेपर वर्क रह गया था, तो वो लोग हमारे को नुबरा पेंगोंग वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे। हाँ जी हाँ जी, तो हमने कहा तो वो बोल रहे थे मनाली से पिकअप करना, तो मनाली से पिकअप देंगे तो सारा धंधा छीन रहे हैं हमारा, नुबरा पेंगोंग नहीं जाने देते हैं और मनाली से कर रहे हैं। तो हमारा इस साल रेजोल्यूशन ये हो गया था कि वो लोग केलोंग से पिकअप करेंगे, बाकी हिमाचल से कहीं से नहीं करेंगे, तो हम लोग नुबरा पेंगोंग और खारडुंगला नहीं जाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले फिर वो मुकर गए, उस क्या नाम से वहाँ का जो प्रधान है, यानी कि बोल रहे हैं। हाँ जी, आपका मौखिक एग्रीमेंट था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिखित में था, लिखित नहीं। तो अब ये इसका समाधान कब तक होगा सर? वो 5 मई तक के लिए हमने उनको टाइम दिया हुआ अभी, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं जल्दी करो, आप जल्दी करो, आपको सच्चो से अंदर घुसने नहीं देंगे। यही बात करे हमारे साथ, फिर हमने कहा चलो 5 मई तक आप रुकते हैं, अगर 5 मई तक कम्प्रोमाइज होता है तो ठीक है, पर उसके बाद हम कम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बुकिंग आ रही है उनको कैंसिल कर रहे हैं, या जो बुकिंग अभी आ भी रही है उनको हम लेने रहे हैं। 13 से लेकर हमारे को रोकते हैं वहाँ पे, नुबरा पेंगोंग नहीं जाने देते हैं। हाँ जी, तो 13 से लेकर हम 15, 16, 17 तक बात करते रहे उनके साथ। तो 17 में उन लोगों ने हमारी बाइकें पकड़ी वहाँ पे ले में। हाँ जी हाँ जी, तो हमने मनाली में पकड़ी, तो फिर हमारा कम्प्रोमाइज हो गया, हमने तो उनकी बाइकें छोड़ दी, पर उन लोगों ने हमारी बाइकें क्लाइंटों को, शायद क्लाइंटों को उन्होंने मारा भी, तो काफी 3-4 दिन के बाद हमारी बाइकें वहां से छोड़ दी। फिर हम गए ले कम्प्रोमाइज करे, फिर कम्प्रोमाइज हो गया वहाँ, जो एलाइज के जो सबसे प्रेसिडेंट होते हैं उनके सामने हमारा ये हो गया कि वो लोग हिमाचल से पिकअप नहीं करेंगे, हम लोग नुबरा पेंगोंग नहीं जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, पहले दिन ही हुआ, तो दूसरे दिन वो लोग फिर मुकर गए उस बात से, सबके सामने मुकर गए। फिर हमारा लास्ट कम्प्रोमाइज उस टाइम ये हुआ 17 में, कि हम लोग केलोंग
नुब्रा पेंगोंग नहीं जाएंगे, वो लोग केलोंग सिटी कब करेंगे, सिर्फ हिमाचल से कहीं नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो 18 में उनके प्रधान ने हमारे को ये बोला कि आप लोग नुब्रा पेंगोंग जाओ तो हमको मनाली से पिकअप करने दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 18 में वैसा चला, तो 19 में मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारा कॉम्प्रोमाइज मौखिक तौर पे हो गया था। हाँ जी, तो फिर मुकर गए वो, अब दोबारा बोल रहे हैं कि हम मनाली से पिकअप करेंगे और आप लोग नुब्रा पेंगोंग नहीं जाएंगे कहीं भी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके साथी लेह लद्दाख मनाली जाना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ऐसे ही उपयोगी टिप्स और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।